हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है ITBP की तरफ से, कॉन्स्टेबल ड्राइवर की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है। इसके अंतर्गत ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। तो हम लोग इस पोस्ट के ऊपर कंप्लीट डिटेल वे में करेंगे डिस्कशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हो, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस वगैरह जानना चाहते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही बता दिया है कि ITBP में आ रही है कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी। ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है। टोटल सीट्स है 545, यानी 545 आपका सीट रहने वाला है। कैटेगरी वाइज अगर बात करूं तो जनरल के लिए 209 यानी 209 पद रहेगा, OBC के लिए 164, EWS के लिए 55 यानी कि 55, SC के लिए 77, ST कैंडिडेट्स के लिए 40 यानी 40। ओवरऑल द सीट्स विल बी 545 यानी 545 रहेगा। इसके लिए जो अप्लाई करने की तिथि है आपका, आज से लेके 15 दिनों के बाद ये रहेगा। देखिए, अक्टूबर में फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा 8th of October से। लास्ट डेट आपका 6th of November यानी 6 नवंबर रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि जब 8 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होगा तो मैं अभी आपको क्यों बता रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी बताने का बस मोटो ये होता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल अप कर लीजिए, तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही फॉर्म अप्लाई होता है उसके महीना दो महीना के अंदर एग्जाम हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, तो तैयारी का समय आपको अभी से मिल रहा है। तो जितना जल्दी तैयारी करोगे उतना अच्छा आपका तैयारी रहेगा, जब आपका फिजिकल होगा उस समय तक एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। सो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि अप्लाई कब से कब तक होगा। अप्लाई करने में फी क्या लगता है, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज यानी 100 रुपया लिया जाता है। SC ST और एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट होंगे उनका फी एग्जेम्प्टेड है, उनसे कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए फॉर्म की फीस। अब हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होगा। तो एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए सबसे पहले वही बता दूं। देखिए, एज ऑफ 6th of November 2024, मतलब कि जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है ना, वही आपका एज का कट ऑफ डेट रहेगा। एज लिमिट की बात की जाए 21 to 27 यानी 21 वर्ष से 27 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। रिलैक्सेशन मिलता है आपको अपर एज लिमिट में। तो OBC को 3 इयर्स का मिलेगा, तो जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे ना, 21 वर्ष से आपका कितना, देखिए यहाँ पर 27 वर्ष है, लेकिन उनके लिए 30 वर्ष रहेगा। जो SC ST रहेंगे उनको मिलता है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन यानी 5 इयर्स का। तो उनके लिए जो एज लिमिट है 21 to 32 यानी कि 32 वर्ष आपका रहेगा, ठीक है। ये था एज का क्राइटेरिया। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट विल बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता का आपका न्यूनतम क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। देखिए, सिंपली जिन्होंने भी 10th यानी 10वीं पास कर रखी है, doesn't matter what is your percentage in 10th class, बस आपने 10th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट यू नो कि ये कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए वैकेंसी है, तो आपके पास DL तो होना चाहिए ना, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी तो आप ड्राइव कर पाओगे। तो देखिए, आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी मोटर व्हीकल के लिए, मतलब जो भारी वाहन होते हैं ना उसको चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 4 स्टेज होने वाला है। एज यू ऑल नो कि आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आपकी भर्ती आई है और ऊपर से ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेज पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका PST और PET दोनों होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होती है।
उसके बाद स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ ही साथ होगा। स्किल टेस्ट इसमें क्या होगा, अब आपको पता है कि आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप यहाँ पर भर्ती आई है, तो आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना होगा कि आप जो यहाँ पर सर्टिफिकेट दिखा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस का, क्या ये सच में वैलिड है, क्या आपको गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता, बस ऐसे ही सर्टिफिकेट बनवा लियो। तो बस यही सब आपका स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट के साथ ही साथ आप जब जाओगे ना वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देने, तो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वहीं पर हो जाएगी। लास्टली आपको बुलाया जाएगा बेसिक से मेडिकल टेस्ट के लिए, आपका मेडिकल जांच परीक्षण होगा, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर तक के सारी प्रोसेस को हम लोग इन डिटेल समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि पहले ही बता दिया है, सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा। तो उसमें क्या होगा, पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका शारीरिक मापदंड सबसे पहले लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वैकेंसी ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए हाइट का जो मेजरमेंट होगा 170 सेंटीमीटर यानी 170 सेंटीमीटर है। एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 यानी 162.5 एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का हाइट है। चेस्ट जो रहेगा 80-85 यानी कि देखिए 80-85 मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। तो ये क्या हो गया, नॉर्मली बाकी कैंडिडेट के लिए, लेकिन जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है ना उनके लिए 76-81 मतलब कि उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। अदर्स के लिए 80-85 तो उनके लिए 76-81 रहेगा। देन आपका क्या होता है, पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक क्षमता आपकी देखी जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो रनिंग होता है आपका 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 1600 मीटर की दौड़ होती है, जो कि कंप्लीट करना होता है 7 मिनट 30 सेकंड 7 मिनट एंड 30 सेकंड आपको टाइमिंग दी जाती है। लास्टली लॉन्ग जंप होता है आपका 11 फीट का, मतलब 11 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा। 3 अटेम्प्ट मतलब 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे इसको पूरा करने के लिए। फिर आपका हाई जंप होता है 3.5 फीट यानी 3.5 फीट के लिए, इसके लिए भी आपको 3 अटेम्प्ट यानी 3 मौका दिया जाएगा। तो ये था हमारा फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें आप क्वालिफाई होंगे तब आपको एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा एग्जाम के लिए। एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, तो आईटीबीपी के तरफ से अलग अलग शहर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो जो आपका नियर बाय सिटी होगा वहीं पे आपका एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलता है। टाइम जो रहेगा ना 2 आवर्स यानी 2 घंटे के लिए है, एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है डाउट है कि क्या इसको टिक करना है कि नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको मान लीजिए जहां पर निगेटिव मार्किंग है वहां पर अगर आप टिक कर दिए और गलत हो गया, तो एक गलत का आपका क्या होगा, माइनस में चला जाता है नंबर। यहाँ पर ये चीज नहीं होगा कि अगर आपका गलत हुआ तो कोई नंबर कट नहीं होगा, और सही होगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन यानी सामान्य अध्ययन, जिसमें कि जीके जीएस करंट अफेयर्स सबको कंबाइन करके टोटल आपका 10 क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित 10 यानी 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हिंदी से भी 10 क्वेश्चंस रहेगा और इंग्लिश से भी 10 यानी 10 क्वेश्चंस रहेगा, मतलब कि ये तो आपका 4 सब्जेक्ट हो गया और इससे 10-10 यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए होगा। अब बाकी के जो 60 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए वो किस चीज़ से पूछा जाएगा, तो अभी आपको पता है कि ट्रेड रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ड्राइवर की पोस्ट है, तो ड्राइविंग और उससे रिलेटेड स्किल्स को लेकर ट्रैफिक रूल्स ये सबसे संबंधित आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब इस एग्जाम में ना मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है, देखिए जो जनरल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस और एक सर्विसमैन है उनको मिनिमम 35% स्कोर करना होता है, और बाकी जो कैंडिडेट हुए एससी एसटी और ओबीसी को उनको मिनिमम 33%। देखिए ये बस लिखने के लिए बोल दिया जाता है, आपको ये सोच के नहीं चलना है कि आपको बस 33% लाना है।
अभी के समय में हर चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आपको हाई स्कोर करना है। जब आप हायर स्कोर करेंगे, कट ऑफ हाई जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज पासिंग मार्क्स लाना सिर्फ अभी के लिए काफी नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिजिकल के बाद आपको अच्छा स्कोर करना होगा रिटन एग्जाम में, तब जाके आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट, जिसमें आपके ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा, डीवी मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आपको आईटीबीपी में सर्व करने का मौका दिया जाएगा एज अ कांस्टेबल ड्राइवर। तो ड्यूरिंग योर सर्विस आपको क्या सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, देखिए यहाँ पर आपकी सैलरी 21,700 से स्टार्टिंग होती है, एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस सैलरी आपकी इंक्रीज करके ना 69,100 यानी 70,000 के अप्रोक्स कर दी जाती है। बट एक्चुअली आपकी सैलरी 30 से 35,000 के बीच में शुरुआत होती है, बाद में बढ़ा के 80 से 90,000 के बीच चली जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स अभी यहाँ पर बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस को कंप्लीट डिटेल वे में देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो जाके आप वॉच कर लेना। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।